वाह भाई ऋतुराज, तू तो रन मशीन बन गया। सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है तू। भाई ये पीली जर्सी का वाई भी अलग है, इसे पहनकर खेलता हूँ ना तो ऐसे लगता है कि सीएसके टीम से ही खेल रहा हूँ। मानना पड़ेगा तुझे, अब हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही है। अब लगता है आने वाले समय में हर तरफ ऋतु का ही राज होगा। हाँ आप कोई बोला ऋतुराज के बल्लेबाजी का राज नहीं जान पाएगा। माई भाई के संपर्क में रहने का यही तो फायदा है कि आप अपने आप ही फॉर्म में आ जाते हो भाई। ऐसा है तो मुझे भी माई भाई के संपर्क में आ जाना पड़ेगा। लगता है मुझे करनी पड़ेगी अब तैयारी पीली जर्सी में आने की। हाँ लेकिन पीली जर्सी खत्म हो चुकी है। मैं डेविड वार्नर की पहन के आ जाऊंगा, आप मेरे फिक्र मत करो। लेकिन डेविड वार्नर तो हैदराबाद में है ना, तो उसके पास तो ऑरेंज वाली होगी ना। लेकिन मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पीली रहती है। एक काम कर वार्नर, तुम्हारी पीली जर्सी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा। मैं सीएसके टीम से खेलना चाहता हूँ ना भाई, इतना कर दे मेरे लिए। सीएसके टीम में तो मैं खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी जर्सी नहीं दूंगा। ऋतुराज आने वाले समय में इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई मैं ओपनिंग करने के लिए नहीं, मैं कहीं भी खेलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खेलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं ऋतुराज, तुम ओपनिंग करोगे क्योंकि सीएसके टीम में खेल के तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो। तुम्हारे जैसे प्लेयर्स की टीम इंडिया में बहुत गरज है। लेकिन पिछले सीरीज में मुझे खेलने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिला भाई, बस मुझे प्लेइंग 11 में रखा था। हाँ हाँ ये सारी गलती शर्मा जी की है, उनसे शिकायत करो, अब मजा आएगा, है ना शर्मा जी। मैं जानता था तुम में है दम, तुम ही हो बाजीराव सिंघम, लेकिन हम सीरीज आसानी से जीत सकते थे, इसलिए सोचा तुम्हें अगले सीरीज में ही मौका देंगे। अच्छा बहाना मारते हो शर्मा जी, लेकिन ये सवाल का सही जवाब नहीं था, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। भाई हमारे पास ओपनर्स की कमी नहीं है, इसलिए ओपनर्स को मैनेज करना आसान नहीं है। वेंकटेश किस्मत वाला निकला भाई, इंडिया को वैसे भी ऑलराउंडर की गरज थी और उसने सही समय पे अपने बल्ले का जलवा दिखाना शुरू कर दिया और उसको टीम में मौका भी मिल गया भाई। हाँ भाई ऑलराउंडर होने का फायदा तो है, लेकिन मेरा नुकसान है। हार्दिक भाई क्या बोला भाई? कुछ नहीं भाई, तुम्हारी तारीफ कर रहा था मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम अच्छे ऑलराउंडर हो। ऋतुराज तुम अपने आप को थोड़ा समय दो, समय के साथ साथ हर तरफ तुम्हारा ही राज होगा।